क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी से ही ये क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन R1 टू पोजीशन R2 अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो कैसे करोगे आप इसे? आप इसे करिए, वर्क डन इज इक्वल टू F वेक्टर इनटू R वेक्टर। और आर वेक्टर कैसे मिलेगा आपको? आर वेक्टर मिलेगा इस पोजीशन के डिफरेंस से। तो आर टू माइनस आर वन कर लीजिए, आपको पोजीशन का डिफरेंस मिल जाएगा कितना आ रहा है। आर टू माइनस आर वन कीजिए, के को के से माइनस कीजिए, जे को जे के जे से और आई को आई से, तो कितना मिल रहा है? एफ वेक्टर तो हमारे पास है 4i प्लस जे प्लस 3k और यहाँ है आई में -11i, सॉरी 14 -3 मतलब +11i, देन +11j एंड देन 9 -3, 9 --6 दैट इज 15 प्लस 15 के, सो द वैल्यू विल बी 44 प्लस 11 प्लस 45 एंड इट विल बी 45 45 19 100 100 जी, वर्क डन इज 100 जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 15 न्यूटन मीटर एंड 3000 न्यूटन मीटर आर स्ट्रेच्ड विद द सेम फोर्स, दे विल हैव पोटेंशियल एनर्जी इन द रेशियो। सो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो हम इसका स्ट्रेच निकाल लेते हैं कि स्ट्रेच कितना हो रहा है। सो फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी को हम यू वन ले लें, ये के वन और ये एक्स वन, और सेकेंड केस में हम ले लें यू टू इक्वल टू हाफ के टू एंड एक्स टू, ठीक है। और अब आपको के वन और के टू तो दिए हैं, एक्स वन और एक्स टू चाहिए। तो एक्स वन और एक्स टू कैसे फाइंड करेंगे? के वन ये हुआ एक्स वन और एफ तो दोनों में कॉमन दिया है, सो के वन बाय के टू इज इक्वल टू एफ बाय एक्स वन अपॉन एफ बाय एक्स टू। सो के वन अपॉन के टू इज इक्वल टू एक्स टू बाय एक्स वन, ठीक है। और अगर आपको इसका स्क्वायर बनाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अगर इसको स्क्वायर कर रहे हैं आप तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, कैसे? यू वन अपॉन यू टू इज इक्वल टू हाफ से हाफ तो कट होने वाला है, के वन बाय के टू आपके पास है और इंटू एक्स वन बाय एक्स टू मतलब के टू बाय के वन, और इसका है स्क्वायर, सो स्क्वायर तो कट हो जाएगा एक के टू और एक के वन से, और आपके पास फाइनली आने वाला है यू वन बाय यू टू इज इक्वल टू के टू बाय के वन दैट इज 3000 अपॉन 1500, सो इट विल बी 2 बाय 1। तो 2:1 जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अ पोजिशन डिपेंडेंट फोर्स एफ इक्वल टू S-2x प्लस 3x² न्यूटन एक्ट ऑन ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास 2 kg डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 5 एंड द वर्क डन इन जूल्स। तो एक्स तो हमारे पास आ गया एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 5 तक है, मास भी हमारे पास 2 kg है और जो फोर्स है वो हमारे पास इस तरह से एफ इक्वल टू 7 -2x + 3x² दिया हुआ है, ठीक है। सो अब हम
यहाँ पर वर्क डन फाइंड कर लें। सो वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको इस बार क्या करना पड़ेगा, इस बार आपको वर्क डन के लिए w=f.dx और इसमें लिमिट लेनी पड़ेगी 0 से लेकर 5 तक की। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। डायरेक्ट मैं कर देता हूं 7x-2x²/2 + 3x³/3। 3 से 3 कट होगा, 2 से 2 कट होगा और सारी वैल्यूज में लिमिट रख दी जाए 0 से 5 तक। ठीक है, तो 0 वाली लिमिट में तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, 5 वाली लिमिट केवल हमारी काम आने वाली है। सो 7 × 5 दैट इज 35 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 25 एंड माइनस प्लस एक्स क्यूब दैट इज 125। सो इट विल बी 135 जूल हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। बॉडी ऑफ मास 3 kg is under force which causes displacement in it is s=t³/3. Find the work done by force in first 2 seconds. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अगर आप acceleration find करेंगे ना तो acceleration आएगा आपका d2s/dt² और इसका मतलब ये आपका 2t आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स जब भी होता है तो हम वर्क डन को कैसे फाइंड करते हैं, w=f.ds। अब ds की वैल्यू तो है नहीं आपके पास, तो पहले ds की वैल्यू बना लेते हैं। क्या बनेगी ds की वैल्यू, ds/dt = t²। इट मीन्स ds=t²/dt, ये आपके ds की वैल्यू बनी। ठीक है, इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए और फोर्स की वैल्यू कितनी बनेगी, मास इंटू एक्सिलेशन, तो मास इंटू एक्सिलेशन मतलब 2t इंटू ds। सो वर्क डन इज इक्वल टू मास हो गया 3, 2 इंटू टी, टाइम कितना बोला है, टाइम बोला है 2 सेकंड। सो 2 इंटू, पहले ds की वैल्यू रख देते हैं, ds की वैल्यू है t²। सो t³, यहाँ t³ हो गया, ds की वैल्यू रखिए t² एंड dt। अब आप पहले इंटीग्रेशन कर दीजिए फिर वैल्यू रखिए, तो यहाँ आ रहा है 6 × t⁴ (4)/dt तो हमने यूज कर लिया। अब देखिए क्या वैल्यू आ रही है, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करना है, टी की वैल्यू 2 पुट कीजिए कितना आ रहा है, सो 6 × 4 बचा हमारे पास, मतलब 24 जूल, ये हमारा वर्क डन आया। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 11, 24 डी हमारा ऑप्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ बॉडी ऑफ मास 0.1 केजी मूविंग विद वेलोसिटी 10 m/s हीट्स अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 N/m एंड कम टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। जो बॉल है वो बॉल जब स्प्रिंग के ऊपर टकराई है तो स्प्रिंग में जो है वो कंप्रेशन आ गया है, तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई है वो कितनी हो गई, जितनी बॉल की काइनेटिक एनर्जी थी। सो हाफ ऑफ mv² = ½ of kx² ये आप पुट कर दीजिए, हाफ से हाफ तो कट हो गया, m की वैल्यू आपको दी है 0.5, वेलोसिटी आपको दी है 10 और 10 × 10 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, k की वैल्यू आपकी 1000 दी हुई है और x स्क्वायर आपको फाइंड करना है कितना कंप्रेशन आएगा। तो देखिए कितना हो रहा है, ये है 10 और 10 इससे कट हो जाएगा, तो 1/100, 1/100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी इसका रूट निकाल लीजिए तो आपके पास आएगा 1/10, इट मीन 0.1 m। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना आ रहा है, 0.1 m। ठीक है,